Everyone, welcome to Dr. Gunjan's classes. Myself, Dr. Gunjan Goyal, and today what we are going to do is we are going to start class 10. So this is our first video of class 10. So in this particular video, we are going to discuss about the syllabus of your class 10 of the year 2021-22. So last year. From the past year, this year some things are like added in the syllabus. So there is a particular need to see the syllabus because due to the COVID situation last year, there has been some topics which has been deducted from your syllabus. But this year, syllabus has been renewed. So kindly watch the syllabus. Okay. So let's start with our video. So syllabus. So हमारी जो क्लास 10 की साइंस है ठीक है साइंस सब्जेक्ट में हम लोग पांच यूनिट्स इसमें पांच यूनिट्स आ रहे हैं वी आर हैविंग फाइव यूनिट्स सो द नेम ऑफ दीज यूनिट्स हैव बीन गिवन सो फर्स्ट यूनिट इज केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर वर्ल्ड ऑफ लिविंग एंड द नेचुरल फिनोमेना इफेक्ट्स ऑफ करंट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज सो ये पांच यूनिट्स हैं इन पांच यूनिट्स में डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स आने वाले हैं ठीक है एक इन यूनिट्स को हम वन बाय वन करके नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे ठीक है तो ये जो पांच यूनिट्स हैं बेसिकली ये आपका 80 मार्क्स का पेपर कवर करेंगे 80 मार्क्स यानी कि ये आपके जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा जो आपका एग्जाम होगा थ्योरेटिकल पेपर होगा वो 80 मार्क्स का रहेगा और ये पांच चैप्टर्स ये 80 मार्क्स कवर करेंगे सो इनमें से जो फर्स्ट यूनिट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है जो केमिस्ट्री का यूनिट है पूरा का पूरा वो 25 मार्क्स कैरी करेगा वर्ल्ड ऑफ लिविंग जो है वो हमारा 23 मार्क्स कवर करने वाला है नेचुरल फिनोमिना जो है वो हमारा 12 मार्क्स कवर करने वाला है इफेक्ट्स ऑफ करंट जो फिजिक्स का पार्ट आ जाता है वो 13 मार्क्स कवर करने वाला है और नेचुरल रिसोर्सेज सो बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज ये कुछ ऐसे चैप्टर है जो हमारे एनवायरमेंट से रिलेटेड है ये हमारे 7 मार्क्स कवर करने वाले हैं ठीक है तो जो इनका ग्रैंड टोटल बन जाता है वो 20 मार्क्स का रहता है यहाँ पे और जो 80 मार्क्स का रहता है सॉरी और जो 20 मार्क्स है वो आपकी इंटरनल असेसमेंट के होंगे तो ये पूरा का पूरा 80 प्लस 20 जो रहेगा वो 100 मार्क्स का हो जाएगा पेपर और उसके बेसिस पे जो है आपको असेस किया जाएगा ठीक है तो हम इसको वन बाय वन करके देख लेते हैं कि फर्स्ट यूनिट जो हमारा रह रहा है फर्स्ट यूनिट है हमारा केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर इस यूनिट में हमारे पांच चैप्टर्स आ रहे हैं तो ये सारे के सारे केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं तो इंडिविजुअली कोई भी चैप्टर की मार्किंग आपको नहीं दे रखी पूरे यूनिट की मार्किंग बता रखी है कि ये 25 मार्क्स को कवर करेगा ठीक है 25 मार्क्स का ये यूनिट होगा सो इंडिविजुअली आप ये नहीं सोच सकते कि ये चैप्टर मैं कर लूँ तो ये इसमें इतने मार्क्स आ जाएंगे और ये चैप्टर छोड़ दूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको करना सब कुछ पड़ेगा बट ये ओवरऑल 25 मार्क्स का पूरा यूनिट इसमें रहेगा तो इसमें कौन से चैप्टर आ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर आ रहा है हमारा केमिकल रिएक्शंस ठीक है सो केमिकल रिएक्शंस जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इसके ये फॉलोइंग टॉपिक्स हैं केमिकल इक्वेशन है केमिकल इक्वेशन क्या होती है उसको बैलेंस करने के लिए कैसे बैलेंस किया जा सकता है और जो टाइप्स है केमिकल रिएक्शंस की सारी ये नेम्स मेंशन है ये आपकी जो सीबीएसई ने बेसिकली ये सीबीएसई का सिलेबस है तो सीबीएसई ने ये कि सारा का सारा टॉपिक वाइज आपको ये बताया गया है आपके सिलेबस में है और ये एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए सिलेबस बनाया गया है तो आप अगर एनसीईआरटी बुक को खोलेंगे और उसको फॉलो अप करेंगे तो ये सारे के सारे टॉपिक्स उसमें स्टेप बाय स्टेप दिए हुए हैं एंड यू हैव टू कवर एवरी टॉपिक इन द एनसीईआरटी ओके सो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर यूनिट नंबर वन केमिकल रिएक्शन ओके देन सेकंड यूनिट सेकंड चैप्टर इसका आ जाता है हमारे पास दैट इज एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स तो दिस इज द सेकंड चैप्टर ऑफ योर फर्स्ट यूनिट दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स तो इस चैप्टर में भी आपको ये डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स इन्होंने दे रखे हैं कि आपको कौन से एसिड्स बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है तो ये पर्टिकुलर टॉपिक्स इन्होंने दिए हुए हैं यहाँ पे आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स एनसीईआरटी में
आपकी जो बुक है उसमें प्रॉपरली गिवन है, आपको उसको फॉलो करते हुए जाना है, ठीक है. देन इज थर्ड चैप्टर, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ये भी आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है, यूनिट नंबर 1 का. और इसके भी ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको एनसीईआरटी के हिसाब से ही दिए हुए. देन इज द फोर्थ चैप्टर, दैट इज कार्बन कंपाउंड्स. ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी इस यूनिट का, ठीक है. तो इसके बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखने में मिलेंगी. तो ये हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियोस में हम ये चैप्टर्स जब कवर करेंगे तो हम लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से और बहुत फन वे में करने वाले हैं, ठीक है. सो काइंडली वॉच दिस वीडियो एंड फॉर द वीडियोस एज वेल, ओके. देन इज द फिफ्थ यूनिट, फिफ्थ चैप्टर ऑफ योर फर्स्ट यूनिट, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में भी हम लोग ये सारे की सारी चीजें बहुत अच्छे से करने वाले हैं, ठीक है. हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एक बहुत विद द हेल्प ऑफ सम ट्रिक्स, ठीक है, हम इसको अच्छे से याद करेंगे, ठीक है. उसके हिसाब से हम उनके एटॉमिक नंबर्स और एटॉमिक मासेस के बारे में पढ़ेंगे और ये हम सारी की सारी प्रॉपर्टीज उसमें देखने वाले. तो ये था आपका चैप्टर यूनिट नंबर 1 जो कि 25 मार्क्स का था. अब हमारे पास सेकंड यूनिट आ जाता है, यूनिट नंबर 2, दैट इज इसकी थीम जो दे रखी है, इसका नाम दे रखा है, दैट इज द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ठीक है. सो बेसिकली ये आपका बायोलॉजी का पार्ट है, ठीक है, बायोलॉजी का पार्ट है वर्ल्ड ऑफ लिविंग. और ये 23 मार्क्स का है यूनिट. So, ये यूनिट भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 23 मार्क्स कैरी कर रहा है और इसके अंदर 4 चैप्टर्स आ रहे हैं. यानी कि जो फर्स्ट यूनिट था वो 5 चैप्टर्स थे और 25 मार्क्स कैरी कर रहा था, और ये सेकंड यूनिट है जो आपका 4 चैप्टर्स है इसके अंदर और 23 मार्क्स को कैरी कर रहा है, ठीक है. तो अगर हम लोग इसका कोर्स प्लान देखें तो जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस. लाइफ प्रोसेसेस में आप लिविंग बींग, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं हम इसको वन बाय वन अच्छे से स्टडी करने वाले हैं, ठीक है. तो ये लाइफ प्रोसेसेस आपका फर्स्ट चैप्टर आ जाएगा सेकेंड यूनिट का, ये भी आपकी एनसीईआरटी को कवर कर रहा है, ठीक है. देन इस सेकेंड चैप्टर जो आपका सेकेंड यूनिट का सेकेंड चैप्टर आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी. हम इसको लाइव एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे और ये बहुत सुंदर से आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, ठीक है. तो हम लोग इसको बहुत अच्छे से करेंगे. तो ये चैप्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज ये नर्वस सिस्टम को इसमें बेसिकली आपको दिखाया गया है कि कैसे कंट्रोल होता है, वॉलंटरी कंट्रोल क्या होता है, इनवॉलंटरी कंट्रोल क्या होता है, ठीक है. वो प्लांट्स में भी पढ़ेंगे हम, एनिमल्स में भी पढ़ेंगे. उसके बाद हमारा थर्ड चैप्टर आ जाता है रिप्रोडक्शन. सो रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ये चैप्टर में सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, और ये सेकंड यूनिट का थर्ड चैप्टर था. देन फोर्थ चैप्टर जो हमारी सेकंड यूनिट का आ जाता है, ये लास्ट चैप्टर है सेकंड यूनिट का, दैट इज हेरिडिटरी एंड एवोल्यूशन. इसमें हम लोग मेंडल और कुछ लॉस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और एवोल्यूशन का बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे. ये आपकी फर्दर क्लासेस में जाके बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, बिकॉज ये आपका बेस है. अगर यहाँ पे आप समझ के जाएंगे तो आपको फर्दर क्लासेस में पढ़ना इसके बारे में कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा, ठीक है. तो ये इस बार एक अच्छी बात है कि अगर आपका सिलेबस जो है, जो पिछली बार कट डाउन हुए थे टॉपिक्स, वो वापस से कवर अप कर दिए गए हैं. क्योंकि अगर वो टॉपिक्स आप छोड़ते हैं प्रेजेंटली तो आपको ऐसा लगता है कि अरे हमें कम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, बट ऐसा नहीं है. अगर आज के टाइम पे आप वो चीज छोड़ देते हैं, बट फर्दर क्लासेस में आपको वो चीज जब करनी होगी तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बिकॉज वहां पे वो चीजें बहुत डेप्थ में और बहुत डिटेल्स में दे रखी होती हैं. बट जब आपको स्टार्टिंग में टर्मिनोलॉजी की ही नहीं नॉलेज होगी तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है. सो इट्स गुड कि आपकी इस बार के सिलेबस में ये चीजें कवर कर दी गई हैं. डोंट वरी, इट्स लाइक हम बहुत अच्छे से इस पूरी बायोलॉजी को, पूरी साइंस को, बेसिकली केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, तीनों जो पार्ट्स हैं इसके, हम तीनों को बहुत अच्छे से कवर कर, ठीक है. तो ये तो अभी तक के हमारे दो यूनिट थे, यूनिट नंबर 1 जो केमिस्ट्री कवर कर रहा था, यूनिट नंबर 2 जो बायो कवर कर रहा था. सो 25 मार्क्स फर्स्ट चैप्टर के, फर्स्ट यूनिट के, एंड 23 मार्क्स सेकंड यूनिट के. अब आ जाता है हमारा थर्ड यूनिट. जो थर्ड यूनिट है इसका नाम है नेचुरल फिनोमेना. नेचुरल फिनोमेना ये जो यूनिट है ये भी 4 चैप्टर्स कवर कर रहा है. ये सारे के सारे चैप्टर्स बेसिकली आपके फिजिक्स को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं. ह्यूमन आई और कलरफुल बर्ड जो है
ये आपका थोड़ा सा बायो का पार्ट भी कवर करता है, बट बेसिकली फिजिक्स का पार्ट है ये, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, तो ये सारा का सारा यूनिट 12 मार्क्स कवर कर रहा है। तो इसमें भी काफी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको बहुत अच्छे से करनी है और जो आपको रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स के साथ करवाई जाएंगी ताकि आप उस चीज में इंटरेस्ट ले सके और आपको वो चीजें रिमेंबर रहे फॉर, रिटेन रहे फॉर लॉन्गर पीरियड। ओके, सो लेट्स सी कि इसमें कौन से टॉपिक्स आ जाते हैं। सो इसका फर्स्ट चैप्टर जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन में जो चीजें आ जाती हैं इसके प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, इसी के कुछ आपको प्रैक्टिकल्स भी करवाई जाएंगे आपकी क्लासेस में, आपकी प्रैक्टिकल लैब्स में। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। तो सेकेंड चैप्टर आ जाता है हमारा थर्ड यूनिट का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट में क्या क्या करने वाले हैं, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट में अगर आप देखें तो लॉज ऑफ रिफ्रेक्शन आप पढ़ेंगे, ठीक है, देन इमेज फॉर्म बाय द स्फेरिकल लेंसेज, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस, ये सारे के सारे चैप्टर नंबर 2 आपके रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट में आने वाले टॉपिक। देन थर्ड जो आ जाता है ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड, इसमें आपकी जो आई, आई की फंक्शनिंग है, ह्यूमन आई की फंक्शनिंग है, वो अंदर से हम अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। Everybody knows कि हमारी आईज का कितना इम्पोर्टेंट रोल है हमारे लिए, ठीक है। तो उस आईज का जो फंक्शनिंग है वो किस तरह से होती है, उसके अंदर जो लेंस होता है किस तरह से उसकी फंक्शनिंग होती है, उसको हम पढ़ने वाले हैं। और अगर कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं तो उनको, डिफेक्ट्स को भी स्टडी करेंगे और उनको करेक्शन हम किस तरह से कर सकते हैं, कौन से लेंसेज, सपोज किसी को आई साइट की कोई इश्यू रहता है तो वो लेंसेज पहनते हैं या स्पेक्स लगाते हैं, तो वो कौन सी स्पेक्स लगानी चाहिए, कौन सी उसमें लेंसेज यूज होते हैं, आपको सब कुछ इसके बारे में जानने को मिलेगा इस चैप्टर में। तो अब हम करने वाले हैं इसका फोर्थ चैप्टर जो इस थर्ड आपके यूनिट का आ जाता है रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। तो जब आप फर्दर पहले के चैप्टर्स इसके पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर में इंटरेस्ट आपका अपने आप डेवलप हो जाएगा, बिकॉज इसकी हम एप्लीकेशंस डेली लाइफ में जो होती हैं उसको करेंगे। ओके, सो ये हमारे थे अभी तक के 3 यूनिट। अब हमारा फोर्थ यूनिट जो आ जाता है इफेक्ट्स ऑफ करंट का। इफेक्ट्स ऑफ करंट का ये जो यूनिट है इसके अंदर 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, बेसिकली 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, एक इफेक्ट्स ऑफ करंट है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट है, ठीक है। तो इफेक्ट्स ऑफ करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट ये 13 मार्क्स का, और कितने मार्क्स का, 13 मार्क्स का ये वाला जो यूनिट आ रहा है आपका फोर्थ यूनिट, ठीक है। तो इसमें 2 चैप्टर्स आ जाते हैं। अगर आप इसकी टॉपिक्स देखना चाहेंगे तो इसके आप चैप्टर नंबर 1 में इफेक्ट्स ऑफ करंट के ये वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो आपकी प्लस 1 में और प्लस 2 में जाके इनसे आपको थ्योरम्स बनाने को मिलेंगी, इनकी आगे फर्दर यूसेज मिलेगी आपको, ठीक है, इसके रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 2, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इसमें दे रखे हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें, इसमें एसी, दैट इज एसी और डीसी डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़ेंगे, ऑल्टरनेट करंट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जनरेटर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं इसको, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आपको कुछ भी डरना नहीं है सिलेबस को देखकर कि बहुत ज्यादा सिलेबस, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा साल में आपको सिर्फ यही कुछ कवर करना है। तो हम इसको रिपीट भी कर सकते हैं, तो आप इसको अच्छे से देखिए। मैंने इसको डिटेल में इसलिए बनाया है ताकि कि आप चैप्टर, आप यूनिट, यूनिट का नाम, यूनिट की मार्किंग के साथ साथ आप इसके अंदर जो चैप्टर्स आ रहे हैं, अगर आपको टॉपिक्स भी देखने हैं तो इसमें मैंने सारे के सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस के हिसाब से लिखे हैं, कोई भी मैंने टॉपिक लेफ्ट आउट नहीं किया। तो अगर आपको कोई भी सिलेबस में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन वॉच दिस वीडियो एंड यू कैन फाइंड इट आउट अबाउट द टॉपिक्स कवरिंग अंडर योर एवरी चैप्टर ऑफ द एवरी यूनिट। ओके, सो नाउ कम्स द यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 जो है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज वाला ये यूनिट है, ये 7 मार्क्स का है। पिछले साल इसको आपके इंटरनल असेसमेंट में डाल दिया गया था, बट इस साल ये आपके थ्योरेटिकल पेपर में आने वाला है। इसके अंदर 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, फर्स्ट इज सोर्सेज ऑफ एनर्जी, अवर एनवायरनमेंट एंड देन इज मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगर आप सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो फर्स्ट चैप्टर है अगर इसको देखें तो इसकी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में। इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाने को मिलते हैं आपके स्कूल में, तो आपको दिखाए भी जाते हैं, समटाइम्स आपको कोई फील्ड ट्रिप्स पे भी लेकर जाया जाता है,
ठीक है, कि आप इनके बारे में अच्छे से समझ पाए, ठीक है, तो ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम योर सिलेबस, आप अगर आप देखें कि आपको सिर्फ पढ़कर अपना टेंथ पास करनी है, ऐसा कुछ नहीं है, इसके साथ साथ आपको रियल लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा. सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर लॉन्गर पीरियड ऑफ लाइफ, राइट. इन फ्यूचर आपको बहुत अच्छे से काम आने वाली है चीजें, आपको इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर. सेकेंड चैप्टर इसमें आ रहा है हमारा एनवायरमेंट. हमारे एनवायरमेंट के बारे में तो हमें पता ही होना चाहिए, ठीक है. सो इसीलिए ये टॉपिक्स आपके सब्जेक्ट्स में, सिलेबस में आपके कवर किए जाते हैं, ताकि आपको इसी कारण एटलीस्ट आप इनके बारे में पढ़ें तो सही. यू विल बी अवेयर ऑफ योर एनवायरमेंट एंड यू नो दीज डेज कितने इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है. ग्लोबल वार्मिंग इज वन ऑफ द इश्यू, ठीक है. अब आप ऑक्सीजन के डिप्लीशन के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है. ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है और जिसके कारण कितनी स्किन डिजीजेस हो रही हैं, और जो प्रेजेंट सिनेरियो जो हमारा कोविड का सिचुएशन चल रहा है, जिसके कारण आप सब लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन की डिपेंडेंसी कितनी ज्यादा हो गई है, बिकॉज ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम्प्लीट नहीं हो पा रही है. और ये सब कुछ हमारे एनवायरमेंट से रिलेट करता है, ठीक है. कहीं ना कहीं हमें अपना एनवायरमेंट को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है, ठीक है. बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, जो वेस्ट प्रोडक्शन होती है उसके कुछ सॉल्यूशंस, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उनके बारे में तो पढ़ेंगे. देन इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 5, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. जितने हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज कैसे किया जाता है, उसके लिए कौन सी चीजें बनाई गई हैं, ठीक है. तो उन सबके बारे में इस चैप्टर में दिया गया है, ठीक है. सो ये हमारे थे 5 यूनिट जो कि हमारे 80 मार्क्स कवर कर रहे थे. ये आपके थ्योरी पेपर में आएंगे आपको. उसके बाद आ जाते हैं हमारे प्रैक्टिकल्स, जो कि लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो कि आपकी लैब्स में करवाई जाएंगी आपको. तो ये यूनिट वाइज मैंने प्रैक्टिकल्स के नाम दे दिए हैं यहाँ पे. तो यूनिट नंबर 5 से आपको 5 प्रैक्टिकल्स आने वाले हैं. तो ये आपको आपकी स्कूल की बुक्स में कवर करवाई जाएंगे, स्कूल की लैब्स में कवर करवाई जाएंगे, ठीक है. देन इज यूनिट नंबर 2 से आपके 4 एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि आपकी सिलेबस में CBSE में मेंशन किए गए हैं, ठीक है. तो आपको ये परफॉर्म करने हैं. यूनिट नंबर 3 से ये आपके 4 एक्सपेरिमेंट्स हैं, एंड देन यूनिट नंबर 4 से आपके 2 एक्सपेरिमेंट्स. तो ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको आपकी लैब्स में करवाए जाएंगे, और इसके बेसिस पे आपकी असेसमेंट डिफाइन होगी, ठीक है. तो अगर हम लोग अब कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ें, ये तो अभी तक हमने देख लिया कि हमारा जो है सिलेबस वो क्या रहेगा, ठीक है. तो 80 मार्क्स की आपकी बेसिकली थ्योरेटिकल पेपर होगा, जो एनुअल एग्जामिनेशन होगा आपका, वो 80 मार्क्स का होगा. और जो 20 मार्क्स जो लेफ्ट आउट हो गए 100 में से, आपको सबको पता है कि 100 मार्क्स का होता है, जो 20 मार्क्स जो बच गए हैं उसकी जो वेटेज है वो इंटरनल असेसमेंट के थ्रू डिफाइन की जाएगी. सो इंटरनल जो असेसमेंट आपकी रहेगी, ठीक है, इंटरनल असेसमेंट रहेगी. 20 मार्क्स को इन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 1, 2, 3 and 4. तो जो ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट 5 मार्क्स, ये 5 मार्क्स आपके जो 3 पीरियोडिक टेस्ट आपके स्कूल में होते हैं, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर आपके 3 पीरियोडिक टेस्ट होते हैं बिफोर योर एनुअल एग्जामिनेशन. तो उनमें से कोई भी दो जो बेस्ट टू आपके पीरियोडिक टेस्ट होंगे, जिनमें आपने बेस्ट स्कोर किया होगा, 3 में से 2 में जिसमें बेस्ट किया होगा, उनकी एवरेज आपकी 5 मार्क्स की अकॉर्डिंगली वेटेज में जाएगी टुवर्ड्स योर फाइनल्स, ओके. देन सेकेंड जो 5 मार्क्स आएंगे हमारे, वो कहाँ से आएंगे, कि जो आपकी क्लास डायनामिक्स, करिकुलम ट्रांजेक्शंस, जो शॉर्ट टेस्ट, ओरल टेस्ट, या थ्रू आउट द ईयर जो आपने प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशंस, पोस्टर्स, कुछ मैथ्स, कुछ साइंस इन्वेस्टिगेशंस, या थ्रू आउट योर ईयर जो आपका बिहेवियर रहा होगा आपकी क्लास में, ठीक है, आपकी जो परफॉर्मेंस रही होगी, उसके बेसिस पे जो 5 मार्क्स होंगे वो आपके फाइनल रिजल्ट में जाएंगे, ठीक है. देन थर्ड 5 मार्क्स आपके कहाँ से आएंगे, थर्ड 5 मार्क्स आएंगे आपके प्रैक्टिकल और लेबोरेटरी वर्क में, जो आपने थ्रू आउट द ईयर लेबोरेटरी और प्रैक्टिकल वर्क आपने परफॉर्म करना है, और उसको रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स में, ठीक है. सो दैट रिकॉर्ड शुड बी कॉन्टिन्यूस, ठीक है, और आपकी उसकी बेसिस पे आपकी असेसमेंट दी जाएगी 5 मार्क्स की टूवर्ड्स योर फाइनल रिजल्ट, ठीक है.
देन फोर्थ इज पोर्टफोलियो. पोर्टफोलियो दैट मीन्स कि जो 5 मार्क्स ये फोर्थ वाला है, फोर्थ 5 मार्क्स है जो, ये 5 मार्क्स आपकी जो आपने क्लास वर्क किया गया होगा और कोई सैंपल वर्क किया होगा जो कि 5 मार्क्स का वेटेज कैरी करेंगे, जो आपकी क्लास नोटबुक्स हैं या जो भी आपके क्लास टीचर्स, जो आपके सब्जेक्ट टीचर्स आपको काम करवाएंगे, तो उसमें वो 5 मार्क्स जो है टुवर्ड्स दी फाइनल रिजल्ट आपके जाएंगे. सो बेसिकली ये 20 मार्क्स हो गए आपके. तो ये 20 मार्क्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको बहुत अच्छे से स्कोर करने हैं, ठीक है? तो क्योंकि आपकी 20 मार्क्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इससे परसेंटेज कहाँ से कहाँ चली जाती है, ठीक है? तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना. सो दिस बेसिकली कवर्स योर सिलेबस पार्ट. तो आई होप योर सिलेबस इज क्लियर विथ यू. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन and share this video among your friends. And please, if you're new to my channel, press the like button and subscribe my channel so that you get notification for the further videos. And we'll be starting with the chapter number 1 of your unit number 1 in the next video. In the coming video, we'll be doing the chapter number 1 of your first unit. So that is chemical reactions and equations. So stay tuned. Thank you. Bye-bye. Take care. See you tomorrow.